देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स घरेलू बाजार में अपनी नई माइक्रो एसयूवी को उतारने की तैयारी कर चुका है। बताया जा रहा है कि इस नई एसयूवी को कंपनी जल्दी आने वाले महीनों के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुकी है और इसकी बुकिंग भी आने वाले महीने में चालू हो जाएगी। बताया जा रहा है हाल ही में इस छोटी एसयूवी को शोरूम में स्पोर्ट करा गया है। इस नई टाटा एचवीएक्स को कंपनी जल्द ही लॉन्च करने के काफ़ी करीब आ चुकी है। बताया जा रहा है मार्केट में अब महिंद्रा भी अब अपनी नई एक्सयूवी 100 को लेके आ रही है जो कि टाटा की इस नई सब कॉम्पैक्ट एचवीएक्स को टक्कर देगी। बताया जा रहा है अब कंपनी इसे कम कीमत में लॉन्च करेगी और इसमें आपको कई सारे फीचर्स और बेहतर डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। बताया जा रहा है इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की शुरुआती कीमत 3 लाख रुपए से शुरू होगी और महिंद्रा भी अब अपनी नई एक्सयूवी को 3 लाख रुपए से ही स्टार्टिंग में लॉन्च करेगी। भारत बाजार में लॉन्च होती टाटा की एचवीएक्स का कड़ा मुकाबला रहने वाला है दोस्तों। बताया जा रहा है टाटा की एचवीएक्स पूरी तरीके से प्रोडक्शन रेडी हो चुकी है। गाड़ी में आपको डुअल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे और गाड़ी में आपको फुली मस्कुलर डिज़ाइन, एक टॉल और मस्कुलर फुटबॉल डिज़ाइन आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है गाड़ी में आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, डे टाइम रनिंग लाइट्स और फॉग लैम्प देखने को मिलेंगे। फ्रंट का हिस्सा थोड़ा बहुत हैरियर से मिलता जुलता रहने वाला है और साथ ही सफारी की सिग्नेचर ग्रिल का लुक आपको देखने को मिलेगा। बैक में आपको फुल्ली एलईडी टेल लैंप्स के साथ टाटा का बैज और सिग्नेचर लोगो देखने को मिलेगा। उसके साथ ही गाड़ी में आपको सनरूफ और एक शानदार क्रॉसओवर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ ये गाड़ी लॉन्च होगी। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के फीचर्स स्पेसिफिकेशन के बारे में तो गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बेटर बताया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी में आपको 12 इंच का फ्लोटिंग डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 12 इंच का रहने वाला है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के साथ वॉइस कमांड को भी सपोर्ट कर पाने में सक्षम होगा। उसके साथ ही गाड़ी में आपको फुल्ली लेदर इंटीरियर और डैशबोर्ड पर एम्बिशन लाइटनिंग, पावर स्टेयरिंग के साथ सनरूफ भी देखने को मिलेगी।